अच्छा, आप आरक्षण के पक्ष में खिलाफ? नहीं, मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। क्यों नहीं? देखिए, लेकिन ऐसा पक्ष में नहीं हूँ। अगर शिक्षा उनको आधार पे, अब ये नहीं मायावती जी के भी बेटों को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, जाति के नाम पे कौन अत्याचार कर? जातीय के नाम पे, देखिए उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए, जातीय नाम पे लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। कौन करने वाला है? नाथ जी की सरकार में आप जाके देखिए। कौन जाति के लोग ज्यादा करते हैं इस समय? देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण मैं हूँ, लेकिन ब्राह्मण उतना जुल्म नहीं करता है सर। ये जाके कौन करता है? कौन करता है? देखिए, जुल्म करते ठाकुर के लोग, देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए। सुना ठाकुरों ब्राह्मणों में भी नहीं बन रहा? अरे कहाँ बनेगा सर, आप बताइए। हमारे ऊपर आप लठ मारेंगे, हमारे ऊपर गोली मारेंगे, हम आपको पालेंगे क्या, आप बताइए। भारत जाति प्रधान देश है कि धर्म प्रधान देश है? नहीं, भारत जाति प्रधान देश है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। असम में या देश के तमाम राज्यों में, आरएसएस सब जगह, इस देश में ओवर रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण समाज का है। 5-4% उनकी आबादी है। मीडिया सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसी समाज से एक शख्स है जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण पांडे मेरा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश और ऐसी जगह से हूँ, अयोध्या से हूँ। आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है, अयोध्या से, लेकिन सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है हम। जात ब्राह्मण की बात अलग है, सबसे पहले इस देश में हिंदुस्तान। आप बताइए, असम में एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली क्रूर शासन का सत्ता में बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ प्रशासन होता है, हेमंत बिस्वा की सरकार होती है। जब वही असम में उनसे वोट लेना होता है, तब ये सरकार के लोग, तब इनको नुमाइंदे वहाँ पे नहीं दिखते हैं कि ये कौन से लोग हैं। आप बताइए, इस देश में धर्म के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम जाति के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है। भारत एक एकता, अखंडता और धर्म के नाम पर कौन लड़ाता है? भारतीय जनता पार्टी नफरती राजनीति कर रही है। आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश में जब पाकिस्तान का चुनाव, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब धर्मांतरण इनको दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कहा जा रहा है, मुसलमान कहा जा रहा है। आप बताइए, नफरती लोग हैं। आज देश आग से जल रहा है और बाबा जी अमेरिका में बैठ के अपनी गोदी मीडिया ले जाके वहां अपना विश्वगुरु बनने का नाटक कर रहे हैं। आप बताइए, असम में सर, असम में एक ऐसी आम आदमी के ऊपर ऐसे पैरों से, आप बताइए, मैं ना हिंदू ना मुसलमान, पहले नहीं देश का इंसान हूँ। अगर एक इंसान के ऊपर ऐसी बर्बरता से वो किया जाएगा, तो आप बताइए कौन से देश का लोकतंत्र है? आप धर्म के आधार पर जो मारपीट है, नफरत, उसके खिलाफ? बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। मैं, आप बताइए, हम समानता की बात करते हैं। हम ये नहीं, हम ब्राह्मण हैं तो हम दूसरे के ऊपर जुल्म करेंगे, हम दलित हैं तो दलितों के ऊपर जुल्म करेंगे। आप बताइए कैसा न्याय है? इस देश में सबसे पहले इंसानियत है। भारत एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं, वो क्यों वोट देते हैं? बीजेपी को वही लोग वोट देते हैं जो चाटू का, जो धर्म के नाम पे लोगों को। आप बताइए, आरएसएस जैसे गुंडा तंत्र काम कर रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या भगवा पहन के इस देश में राम के नाम पे लोगों को मारना, क्या ये वो है? राम के नाम पे मूल्य काटे जाएंगे? इसी जंतर मंतर पे आप जहाँ खड़े हैं, यही से नारा प्रखर होता है। क्या यही देश का लोकतंत्र है? बिल्कुल, सनातन में तो लिखा हुआ है कि जो अछूत है, जो शूद्र है, जो उस, आपके सारे भगवान के हाथ में तलवार है। राम के हाथ में तीर धनुष है, शंभु की हत्या की। दुर्गा के हाथ में तलवार है, उसने महिषासुर का वध किया। काली के हाथ, काली ने वध किया। तो सनातन धर्म में तो हत्या जायज है। देखिए, आस्था मानते हैं, अब हत्या नहीं, हम हत्या के विरोध हैं। हम चाहे जो बात हो, राम की बात हो, आप बताइए, रावण, रावण ब्राह्मण था सर, संबुक की भी तो हत्या की ना? रावण ब्राह्मण था ना सर, आप बताइए, अहंकारी था, हम उसका समर्थन करने जाते हैं। आप बताइए, अहंकार इस देश में धर्म, और आप मुसलमानों के साथ क्यों खड़े? मुसलमानों के साथ इसलिए खड़े, मुसलमानों के एक धर्म विशेष को टारगेट करके उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। ये देश हिंदुस्तान है, अगर जिनको जो कहते हैं। अच्छा, कौन लोग टारगेट करते हैं मुसलमानों को धर्म? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल। आप बताइए, ऐसे विशेष लोग जो संगठन चलाते हैं, ये दो को लड़ाने का काम करते हैं, धर्म की राजनीति। अच्छा पंडित जी, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले प्रोटेस्ट में ही जाते हैं या रिजर्वेशन के पक्ष धर? सारे प्रोटेस्ट में मैं जाता हूँ, किसान आंदोलन में भी विगत 8 महीनों से हूँ, सारे। अच्छा, आप आरक्षण के पक्ष में खिलाफ? नहीं, मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। क्यों नहीं? देखिए, लेकिन ऐसा पक्ष में नहीं हूँ। अगर शिक्षा उनको आधार पे, अब ये नहीं मायावती जी के भी बेटों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। रामविलास पासवान जो गरीब है, उनको मैं ऐसा कहता हूँ, जो बराबर के लोग हैं, जैसे गरीब है, दलित है, जो वंचित है, उनको शिक्षा। मुसलमानों को
90% मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण है, उसके पक्ष में कि खिलाफ? नहीं, पक्ष है, उनको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? सिखों को आरक्षण है, सिखों को आरक्षण देना, देखिए सबको देना चाहिए, लेकिन उस आधार पे। ये नहीं है कि हम अगर अमीर हैं, हमारे पास धन है तो हमें आरक्षण। बताइए पंडित जी की आप ब्राह्मण है, इस देश में दलितों पर अत्याचार कौन करता है? दलितों पे देखिए, जो बड़े लोग हैं, सवर्ण के जो लोग हैं, अत्याचार, लेकिन अब अत्याचार नहीं हो रहा है। अब देखिए, मैं तो उनके खिलाफ हूँ, जो सवर्ण लोग करते हैं, ब्राह्मण हो या कोई बड़े उच्च वर्ग के, कि मैं उच्च वर्ग का हूँ, इनको वो करूंगा, इनको दबाने की कोशिश करूंगा। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ सर, बहुत छोटे से गांव के खिलाफ कभी आपने धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन मैंने, जब से मैं एक साल से प्रोटेस्ट में हूँ, एक साल से जब से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, जो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आप जब हत्याएं होती हैं, लेकिन आप आरक्षण के पक्ष में नहीं है, जज कलेक्टर दलित ना बने? नहीं बने, क्यों नहीं बने? लेकिन देखिए, उनको शिक्षा के आधार पर बनना चाहिए, सबको, सबका अधिकार, जो शिक्षित है उसको बनना चाहिए। एक बात बताइए, मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले धर्म के आधार पर अत्याचार करते हैं? नहीं, ये पार्टी जो मौजूदा, 2014 से पहले मैं मुसलमानों के भी साथ था, हमारे रूम पार्टनर मुस्लिम भाई थे, अभी हमारे एक शौकत भाई हैं, हम इनके एक साल से इनके साथ भी रहते हैं, इनके साथ खाना भी खाते हैं, इसलिए हम आवाज उठाने आते हैं। तो इनको मारता कौन? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के लोग, इनके नेता, भारतीय जनता, इनके जो नरेंद्र मोदी जी, जो अमित शाह जी, जो सत्ता में बैठ के, आरएसएस का नेता, आरएसएस मोहन भागवत जी, मोहन भागवत, अरे ब्राह्मण क्या बात कर रहे हैं, वो तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सब पहले लोग हिंदू थे, तो उनका नाम पहले इमरान हुसैन होना चाहिए ना, उनका नाम होना चाहिए जो लाल लड़ा रहे हैं लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अच्छा, जाति के नाम पे कौन अत्याचार कर? जातीय के नाम पे देखिए, उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए, जातीय नाम पे लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। कौन करने वाला है? नाथ जी की सरकार में आप जाके देखिए, कौन जाति के लोग ज्यादा करते हैं इस समय? देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण मैं हूँ, लेकिन ब्राह्मण उतना जुल्म नहीं करता है सर, ये जाके कौन करता है? कौन करता है? देखिए, जुल्म करते हैं ठाकुर के लोग, देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए, ठाकुर, हाँ, उत्तर प्रदेश में राज है, सुना ठाकुरों ब्राह्मणों में भी नहीं बन रहा है। अरे कहाँ बनेगा सर, आप बताइए, हमारे ऊपर आप लठ मारेंगे, हमारे ऊपर गोली मारेंगे, हम आपको पालेंगे क्या, आप बताइए? ये आपको, अब भारत जाति प्रधान देश है कि धर्म प्रधान देश है? नहीं, भारत जाति प्रधान देश है, जाति के विभिन्न विभिन्न सर जातियां यहाँ, तो लोग धर्म कहाँ, लेकिन धर्म के भारतीय जनता पार्टी आके। एक निजी सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे मेरी बहन जाति देख के शादी करेगी नहीं करेगी तो मैं तो गर्दन काट दूंगा, आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, हम देखिए, उनको शिक्षा के आधार पे, जाति है सर, ये मैं वो नहीं हो सकता, लेकिन इसके खिलाफ जाति है, क्योंकि सब चार सच्चा बातचीत क्यों कर रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इस देश के जो सवर्ण है वो मुसलमानों के साथ तभी खड़ा रहेंगे जब बात धर्म की लड़ाई की होगी, हिंदू मुस्लिम होगी। जैसे ही सवर्णों को कहेगा कि आरक्षण के पक्ष में हो, मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में हो, सिखों के आरक्षण के पक्ष में हो, वो कहेगा नहीं। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी पिटाई तब तक होती रहेगी जब तक तुम डीएम, एसपी, कलेक्टर, सीएम, पीएम नहीं बनोगे। इस देश में जो अपर कास्ट तुमको दिखता है कि वो तुम्हारे साथ है, वो दरअसल तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि उसको तुम्हारे आरक्षण से प्रॉब्लम है, तुम्हारे हक अधिकार से प्रॉब्लम है। हाँ, धर्म की राजनीति में, हिंदू मुस्लिम में, वो तुम्हारे साथ है। ये भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, और मुझे लगता है कि इस देश में सबसे कोई समझदार है तो वो ब्राह्मण है, जो पढ़ा लिखा है, न तो वो धार्मिक दंगे में शामिल है, न वो जातीय दंगे में शामिल है, वो सिर्फ राजनीति में शामिल है। वो मारने वाले का भी लीडरशिप ले रहा है, वो बचाने वाले में भी लीडरशिप बन रहा है। इस देश में सबसे बेवकूफ़ वो है जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, वो मार खाने वाला भी है, लेकिन नेता नहीं बन सकता है मार खाने वाले का, वो मारने वाला भी नहीं है। तो आप सोचिए कि वो लोग, खासकर जो किसान जातियां हैं, ओबीसी के जातियां हैं, किसान, पटेल, जाट, गुर्जर, वो सिर्फ दंगे में शामिल हैं, जातीय हिंसा में शामिल है, और उनको मिलना कुछ नहीं है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि समाज में जो बीमारी है उसके तह तक जाया जाए, उस मामले को आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन मुसलमानों को लगता है कि सवर्ण उनके दोस्त हैं, वो तभी तक दोस्त हैं जब तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलेगी। जैसी आप आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, वो आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक उसी तरह से सवर्ण पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ तभी तक हैं जब तक आप हिंदू बनकर उनको वोट दे रहे हैं। जिस दिन आप आरक्षण के पक्ष में उनकी बात करने के लिए कहेंगे कि हमारा आरक्षण दे दो, हमें कलेक्टर सीएम बनने दो, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। अब आपको तय करना है कि आपको दूध की रखवाली बिल्ली को देनी है या खुद करनी है।
आप लोग इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग होंगे जो एक दिन न्याय के लिए खड़े होंगे। शुक्रिया दोस्त तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन जसीम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।